हेलो ट्रेनिस, वेलकम टू विशाल आईटीआई यूट्यूब क्लास। आज वीडियो रे आम परसेंटेज रो आउ किछ अधिक एग्जांपल लेकर डिस्कशन करवा। मुझे गोटे क्वेश्चन गोटे लिखी गोटे एग्जांपल नहीं सॉल्व करवा परसेंटेज नहीं आम सॉल्व करवा। देख कहला एस इनकम इज 150% ऑफ बी एंड सीस इनकम इज 120% ऑफ ए। तो टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 86,000। तो फाइंड आउट द इनकम ऑफ सी। ये पचारा ए इनकम बी इनकम 150% आ सी इनकम ए इनकम 120%। ए आउ बी सी तीन जन जगार टोटल इनकम हो 86,000। तो सी इनकम के पचारा तो ये मुझे कौन करी केमी सल्व करी यू देख यमको से कही कौन ना बी इनकम 150%। तो बी इनकम आम जना नहीं कौन कर मन कर लेट लेट इनकम ऑफ बी एक्स नहीं मन कर बी इनकम है एक्स। तो ए इनकम के इनकम ऑफ ए बी इनकम 150%। तो कौन हम एक्स गुणन 150 बाई 100। मुटा को टी लोएस्ट करदेवि 0,0 कटला 5 3 5 2। तो आसीज 3/2 एक्स आसपरी बी रहा ए रहा देला सी इनकम इनकम ऑफ सी देला ना ए इनकम 120 ए रहा 3/2x गुणन तार 120% बोले 120/100 मुझे लोएस्ट करदेली गोटे 2 2 5 2 1 2 3 तो आसीगला 3 3 9/5x आसीगला है। तो यहाँ जमी दे प्रश्न से अनुसार आम लिखिदे बर्तमान कौन कहला ए बी सी टोटल इनकमटा दे 86,000। तो आम आर टोटालटा आम मिसेवा। तो प्रश्न अनुसार मुझे लिखिली यहाँ कौन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए रहा के 3/2x बी रहा एक्स प्लस सी रहा 9/5x इक्वल टू है 86,000। तो यहाँ मुझे कौन करी लॉस आगे नहीं करी मिसे देवी लॉस आगे हम एम के 10 हम 10 को 2 हर भी 5 आसो ताक गुण भी 5 × 3 × 15 एक्स हम ये 10 को हर कि ना बोले 1 अच्छी तो 10 को 1 रे 10 10 गुणन एक्स 10x होगा। ये 10 को 5 रे 2 आस 2 गुणन 9 18x होक्वल टू के 86,000। तो ये सब जगह मिसेदे आम आस 43/10x इक्वल टू 86,000 है। तो ये मुझे कौन करी एक्स रैल्यूटा बाहर करी एक्स इक्वल टू कत 86,000 गुणन 10/43। तो 43 को आपको मुझे हरदेले के आस 2 0 0 0 तीन टा 0 2,000 गुणन 10 हेल्ले के 20,000 हो। तो मुझे नहींचे लेट इनकम ऑफ बी बीटा मुझे एक्स नहीं तो बी इनकम ये पलि आसला 20,000 तार तो एक्स रैल्यूटा पलि आसला 20,000 आमको पचार ना सी इनकम पचार
तो सी रो इनकम केत इनकम ऑफ सी सी इक्वल टू केत ना सी रो इनकम होते 9/5x तो 9/5 इंटू एक्स रैल्यूटा हो 20,000 ये पकईद तो 20,000 को 5 रेट कटदेला है 4,000 4,000 गुणन 9 गुणदेले के 36,000 तो सी रो इनकम आसीगला के इनकम ऑफ सी इक्वल टू 36,000 तो यही प्रकार आम प्रश्न थी ताको ये प्रकार आम समाधान करवा तो मुझे आउ गोटे क्वेश्चन लिखी देखो एटा केमी आम करवा न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 11/15 फाइंड आउट द ओरिजिनल फ्रैक्शन तो ये दे गोटे गोटे भग्नाशर न्यूमरेटर मान हो लब लबटा कौन है 10% बढ़ला आउ डिनोमिनेटर अर्थ हो कौन हर हरटा बढ़ला 20% तो तार बढ़ले दीटा कर तार रिजल्टेंट फ्रैक्शन टा मानने तार नूतन जो भग्नांशा के 11/15 ताल फाइंड आउट दि ओरिजिनल फ्रैक्शन बोली कहला तो मूल भग्नांशा केत कहला आम डिस्कशन करवा देख सल्व करवा ओरिजिनल फ्रैक्शन टा जानी से कौन करवा सेटा को गोटे ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स बाय वाई नहीं मनकर नहीं जावा लेट लेट दि ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स बाय वाई एटी कौन कहले ना न्यूमरेटरटा 10% बढ़ला तो न्यूमरेटरटा के 10% बढ़ले न्यूमरेटरटा के 10% ऑफ फ्रैक्शन के 10% बढ़ले 10% बढ़ले आम न्यूमरेटरटा हो एक्स प्लस एक्स र 10% तो 10/100 तो यह सल्व कले के 100 को एक्स रे गुण दवा 100x 10x 110/100x बाकी सिंपल करद शून शून कटिगला 11/10x आसीगले तो यहाँ आमर न्यूमरेटर पलि आसला सेमती डिनोमिनेटरटा कौन है इनक्रीज है 120 तो डिनोमिनेटर नवा ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटरटा के डिनोमिनेटर नहींचे वाई नहींचे तो यहाँ हम वाई प्लस वाई रसेंट तो 20/100 होटा मध्य कौन हो 100y प्लस 20y 120/100y होटा को मैं टी सिंप्लीफाई करदेवि शून शून कटला 2 + 2 = 5 तो आसला आमर के 6/5y आसला तो ये को मुझे कौन करी यार फ्रैक्शन टा के बर्तमान फ्रैक्शन टा हम कौन ना 11/10x/6/5y
तार रिजल्ट आंटा के एगार बै पंदर है तो आम कौन कर एक्स बै वाइटा जिम सेम रखीद आकी जाक सब संख्या जाक सेपट सब नहीं जावा है मुझे कौन कर पारी ना वाइड जिम सेम रखीदी यटा को उल्टेले हम ए छः बै पाँच रखे उल्टे भी हम बामें एमती करदे ये कटेद पांच दुगुणी पांच एक है तो ये आमर कतेजा इम्प्लाइस एगार बै दुई एक्स बै छ वाई है तो यहाँ मु कौन करी एगार बै पंद्रह है आपको एगार बै दुई एक्स बै छाई इक्वल टू आपको मुल्टा नहीं जी मैंने वज्रगुण करदेवि यटा को यटा गुण देवी एटा को एटा गुण देवी तो कौन हम ये इम्प्लाइस के पंदर गुणन एगार बै दुई एक्स इक्वल टू छ गुणन एगार वाई होगा तो ये कौन है आमर एगार एगार दि सैड कटिगला बर्तमान मुझे कौन करी ए दुईटा को एपट बुणीदेवि दुईटा एपटे बुणीदे कौन हम पंदर एक्स इक्वल टू बार वाई होटा को बर्तमान आम फ्राक्शन आनवा तो एक्स बै वाई इक्वल टू कत हम एपट रहा बार ए पंद्रटा एपटे आसे बै हो तो ये आम कटेद तीन चौक बार तीन पंचा पंदर आसला चार बै पाँच तो आम ओरिजिनल फ्राक्शन टाक नहीं आम के एक्स बै वाई तो एक्स बै वाई आसला ये के एक्स बै वाई इक्वल टू चार बै पाँच आम ओरिजिनल फ्राक्शन टा है चार बै पाँच यहाँ तार आंसर टिके भल भाव देखिद बुझा पड़ो तो देख ये आम आउ गोटे प्रकार प्रश्न नहीं कर सल्व करने एक प्रकार प्रश्न सेटा ताक नहीं आम सल्व करवा देख है 440 इज द डिफरेंस बिटवीन 89% एंड 73% ऑफ ए नंबर फाइंड आउट 49% ऑफ दिस नंबर तो ये कहला गोटे संख्यार 89% आउ 43% मध्य डिफरेन्स रही 448 ताले से संख्यार 49% के हम तो यहाँ आम के सल्व करवा तो नंबरटा आम जानने संख्याटा आम जानने से आम लेट नहीं जावा लेट दि नंबर बी मन कर लेट द नंबर बी एक्स मन कर संख्याटी है एक्स तो एक्स राम कौन करिया 89% तो आम आने कौन 89% ऑफ एक्स 89% ऑफ एक्स हेल्ला के 89/100 एक्स हो सेमती 73% ऑफ से नंबर आगा 73% तो एक्स आगा ये के 73/100 एक्स तो ये कौन कहला आम ए दुटा नंबर भितर डिफरेन्स होते 448 तो प्रश्न अनुसार लिखा आम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस 89/100 एक्स माइनस 73/100 एक्स इक्वल टू के
448 तो ये डिफरेंस रे हम बाहर करिया एलसीएम डा सो रहो के 100 रहबो 89 माइनस 73 एक्स इक्वल टू 448 तो ये हम हमर कौन 16 बाय 100 एक्स इक्वल टू 448 इम्प्लाइज एक्स रो वैल्यूटा हम कौन ना 448 इंटु 100 बाय 16 तो आम एटा को यदि सॉल्व करिया हला तो सॉल्व कल के आसो आमर ये 4 × 4 = 16 × 25 ଗୋଟେ 4 କଟିଦେବା 4 × 4 = 8 ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେବା ଗୁଣିଦେବା 25 × 50 0 × 5 25 × 5 = 30 0 × 3 25 × 3 = 28 ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଗଲା ଆମର କେତେ 28 ଆସିଗଲା ହେଲା ତ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି 49% ଅଫ୍ ଦଟ୍ ନମ୍ବର ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 49% କେତେ ତ ଏହାର 49% ଆଣିବା ଆଉଥରେ ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା 49% ଅଫ୍ ଦଟ୍ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଗଲା ଆମର 28 ଗୁଣନ 49% କହିଲେ 49/100 ତ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା ସେ କଟିଗଲା ତ ଆସିଲା ଆମର 28 × 49 ତ 28 × 49 ଗୁଣନ କଲେ ଆମର ଆସିବ 1372 ଆସିବ ହେଲା ବୁଝିହେଉଛି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ